सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए. थैंक यू मैम, यू आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव योर प्रेजेंस हियर. कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट श्री एस के अग्रवाल जी टू बी विद अस हियर ऑन द स्टेज. वी लाइक टू फेलिसिटेट यू सर, प्लीज सर, प्लीज आई विल सर. सर आपका इतना प्यार, इतना सपोर्ट रहा सर, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहीं पर रहिए, बिकॉज वी लाइक टू फेलिसिटेट अ फ्यू पीपल, और मैं चाहूंगी कि उनका फोटोग्राफ पूरे क्रू के साथ आ जाए बाय योर परमिशन. इज दैट ओके मैम? थैंक यू सो मच. मैं दीपू जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी. एंड वी हैव अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल गेस्ट. आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? आप बहुत जल्दी आए थे. मैं आपसे पूछूंगी कि आपने मेकिंग ऑफ द फिल्म तो देखा है, ट्रेलर बाकी आपको कैसे लग रहा है यहाँ पर? प्लीज. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं ट्रेलर भी देख रही थी, सबकी एक्ट भी देख रही थी, और जब वो लोग फन कर रहे थे तो उनके साथ साथ मैं भी हंस रही थी. मुझे लग रहा था कि वहाँ पे मैं भी हूँ. नेक्स्ट कास्टिंग आपको कभी आ गई मैम. थैंक यू वेरी मच. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अरुण सर आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मेरे रोटे खत्म हो गए उनकी बातें सुनकर, उनके ब्लेसिंग को सुन के बहुत अच्छा लगा. फाकी भाई के बारे में सब जानते ही हैं. हीरो भी बहुत अच्छे हैं, हीरोइन भी बहुत अच्छे हैं. सो दीपू जी, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द फिल्म. अरे सब सुनने के बाद मैं इतना ही कहूंगा, एक लाइन में, ट्रोल नहीं हो रहा है, 2 नवंबर तक वेट करना है बस. वाओ, एक बार टिकट का ले जा अपने लिए. वाओ, इतना सुनने के बाद अब कुछ बोलना रह नहीं गया. बस इतना कहूंगा कि जो भी मैंने पहले काम किया, लेकिन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हमें लेडी मिली, और वो भी इतनी सुंदर, मंजू जी को खुद नहीं मालूम कितनी सुंदर है वो. और मंजू जी की सुंदरता के लिए हम लोग शूटिंग में कभी कभी सुबह 1 घंटे पहले आ जाते थे कि ज्यादा देर तक हम लोग रहे. हाँ, रात में 11-11 बजे तक शूटिंग करते थे हम लोग. मैम देखिए क्या कह रहे हैं, अब फिल्म की शूट तो हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता. कास्टिंग तो हो गई है, शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया. लेकिन आप ये तो बता दूं, ये बहुत अच्छी, अब मुझे आपने छेड़ा है, बहुत अच्छी एंकर है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है. इन्होंने कम समय में बहुत नाम किया है, और इनको बच्चा बच्चा इनको नाम से जानता है. वैसे क्या नाम आपका? वैसे आप भी जानते हो राज, मेरा नाम क्या हो सकता है? और सिमरन ही हो सकता है राज. पार्थोदा जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस फिल्म में लिया, और इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ. मुकेश भारती जी के दोस्त की भूमिका निभा रहा हूँ. मंजू जी ने एक्टिंग किया, बताया कॉलेज फ्रेंड्स है. मैं बताऊं कि ना वो राज पास करने वाली हूं मैं. आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स है ना? हां, रोमांस तो नहीं किया आपने? चांस तो नहीं मारा कुछ? नहीं नहीं नहीं. मंजू जी और मैं मुकेश जी के दोस्त बने हैं, कॉलेज फ्रेंड, और पूरी फिल्म में बहुत मस्ती की. नैनीताल, मुरादाबाद कई जगह में शूटिंग किया, बहुत मस्ती. एक बार फिर से मंजू जी प्रोड्यूसर दोनों को धन्यवाद कहूंगा, पार्थुला को धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने मुझे लिया. और फिल्म अच्छी बनी है, और बस वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी 2 नवंबर आए और हम लोग देखें. और एक तारीख बनी थी आपको अपने अंदाज में कर दो. हाँ जी, मैं ऑलरेडी अपना मुंह झुका लेती हूँ. इतनी हसीन हो आप, इतनी हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो. इतनी हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो. आंखों में काजल लगाना ही काफी नहीं, गले में नींबू मिर्ची भी लटकाया करो. क्या अच्छा सर, आपको सारे राज फाश कर रहे हैं, आपको तो मार पड़ने वाली है प्रोड्यूसर से. वो भी वो एक्चुअली इसलिए कर रहे कि कुछ तो हो, मार तो पड़े, कुछ तो हो प्रोड्यूसर के साथ, है ना? उन्हें सिर्फ रिलेशन रखना है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच दीपू जी, एंड वंडरफुल हैविंग यू हियर. और थैंक यू सो मच. अगर इससे मेरा पन्ना गिर जाए तो प्लीज. थैंक यू सो मच फॉर दैट. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर मी टू थैंक आवर डिग्निटरीज हियर. प्लीज अलाउ मी टू थैंक. एंड सेकंड, जो खास बात ये है कि हमारी जो प्रोड्यूसर वो बहुत खूबसूरत है. जरा जोरदार ताली दीजिए उनका. आप स्टेज में बुलाती हूँ. सबसे बड़ी बात यह है कि शी सेक्रीफाइज्ड, शी इज हीरोइन मटेरियल. इन्होंने अपने साहब के लिए, मुकेश जी के लिए, अपने आप को 2 कदम पीछे किया, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इन्होंने मुकेश जी को आगे किया और पूरी तरह से सारे यूनिट का ख्याल किया. ताली तो बनती है.
कितनी खूबसूरत है यार, ताली मार बैठे ऐसा लगता है। इतने अच्छे और खूबसूरत जो हमारे प्रोड्यूसर हैं बहुत कम होते हैं। और इस फिल्म की बहुत कमाल है, स्मॉल फैमिली, इट्स अ स्मॉल ब्यूटीफुल फैमिली। उसमें जो लेजेंडरी हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इनका नाम ही काफी है। जब भी किसी चीज पे हाथ रखते हैं उस पर बरकत पड़ जाती है। हमारे दादा पाथोला, इनका अगर पास खुलेदा जाए तो सिर्फ सुपरहिट फिल्में ही है। और आज का जो मैं देखा हूँ, इट वॉज अ फैंटास्टिक। भगवान करे फिल्म में बरकत पड़े और ये फिल्म अच्छी जाए, ताकि मंजू जी आगे भी जाके अच्छी फिल्म बनाए। और बरकत पड़े हमारे दादा के लिए और बरकत पड़े हमारे मुकेश जी के लिए। तालियों से, दिल से तालियों से स्वागत कीजिए इस छोटे से जुड़े का। और एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी दो दिन की डेट ली गई थी इस कव्वाली के लिए। हालात कुछ ऐसे हो गए जिनको बताना जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ बुकिंग का था वो, जहां पे हम शूट कर रहे थे, राइट दादा, इजाजत है, जहां पे हम शूट कर रहे थे उन्होंने कुछ समय का कुछ लोचा आया। दो दिन का काम 3 घंटे में किया गया। 1 घंटा दादा ने मेरे बगैर शॉर्ट्स दिए और मुझे कहा गया कि 1.5 से 2.25 घंटे हमारे पास हैं, इसके बाद मंजूरी नहीं है हमारे पास जहां शूट कर रहे हैं। हमने ये सारी कवाली जो है 2 घंटे में किया। एंड हैट्स ऑफ टू माय डायरेक्टर। और इतनी खुशी हुई, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे जरा सा भी वो नहीं है कि जल्दी है या ये है मैं भूल रहा हूं। ये जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो अल्लाह मियां वापस आते हैं, आके बरकत डालते हैं। भगवान करे, अल्लाह करे, इस फिल्म पे बरकत पड़े और ये फिल्म बहुत अच्छी जाए, ताकि इनको और भी अच्छी फिल्में बनाने के लिए ऊपर वाला आशीर्वाद दे। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, नॉट द लीस्ट, हमारी होस्टेस बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच अरुण जी। ताली तो बनती क्या, थैंक यू, से भी तालियां बनती। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अरुण जी, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी और आपने जो कहा कि यस इट्स बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, 2 hours, इट्स अनबिलीवेबल। आई थिंक इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, एंड दैट टू शूट अ सूफी सॉन्ग। No, it can be possible when the boss is yes. Dada. Yes. So let's hear it, a loud applause, ladies and gentlemen, for the entire crew to make it possible. And that is truly magical, I must say. Dada jo hai, wo dada bhi hai. Film ke pardada bhi hai. Aur ye film ke sabse chota kaam karne wale bhi hai. Mazdoor ki tarah kaam karte. Raja ki tarah rehte hai. और राजा की तरह रहते हैं, ब्लेस करते हैं फिल्म को। इस हाथ रखा है भगवान का बरकत पड़े। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। यार और ठहर जा पवन, नीचे नहीं से रुक ना यार, कुछ बनके भी अच्छा है। यस, मैं चंडीगढ़ से उतर आया हूं इसके लिए। आई बिलीव इट, आई स्वेयर। बिल्कुल ही फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, जो आपने देखा होगा कि फिल्म के अंदर कभी भी फैमिली को लेके जाना आजकल के उसमें बड़ा टफ हो गया है कि फैमिली बैठ के पिक्चर देख नहीं सकती, क्योंकि उस कभी कभी देखा होगा आपने कि फिल्म में ऐसे शॉट आ जाते हैं कि हमें एक बहुत शर्म महसूस होती है फैमिली के साथ देखने के लिए। पर पार्थो दाने और ये प्रोड्यूसर मंजू भारती ने ये पिक्चर को जो बनाया है, तो इट्स वेरी गुड मूवी जो फैमिली भी बैठ के देख सकती है। और इसमें टोटली जो है एक म्यूज़िकल एंटरटेनमेंट मूवी है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मुझे जो इस फिल्म में किरदार करने का मौका मिला है बिल्कुल अलग हटके है। लोग इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं और मैं बाहर से इंडिया पढ़ने आया हूँ, वो भी पार्थो दा के डायरेक्शन में। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। देखिए पार्थो दा के मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्थो दा का ये कमबैक है, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और पार्थो ने आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस डायरेक्टर रह चुके हैं वो,
जैसे अग्नि साक्षी, 100 डेज, दलाल, गुलाम मुस्तफ़ा, और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं इज़ वेरी हैप्पी कि मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ काम करने के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि 90 के सॉन्ग हैं, ये जो सॉन्ग हैं आज के टाइम के हैं, लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसे अरमान मलिक ने गाना गाया, इसमें वेरी स्वीट सॉन्ग है और लोगों को बहुत पसंद आएगा। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्थोदा ने या बप्पीदा ने ये गाना गाया, आज के टाइम का उन्होंने गाना कंपोज़ किया बप्पीदा ने, और लोगों को पसंद आया। आपने सभी ने देखा कि ट्रेलर देखा, म्यूज़िक गाना सुना, तो सुन के लोग अभी भी गुनगुना रहे हैं कि पार्टी दम दमा दम, कि आज के टाइम का है। बहुत कैची मतलब वर्डिंग है, बहुत अच्छी तरीके से ये बना गया है और पिक्चराइजिंग भी बहुत अच्छा हुआ है। और लोगों का मानना रहता है कि 90 के सारे सॉन्ग आज सदाबहार हैं। मैं भी भगवान से दुआ करूँगा कि ये भी 90 की तरह सदाबहार हो। और टाइम लग गया ऐसा क्यों? देखिए, हर फिल्म के अंदर इसको देखिए, कभी कभी क्या होता है कि फिल्म शूट होने के बाद 6 महीने साल भर लग जाता है। हमने 6 महीने इसलिए लगाए इस पिक्चर शूटिंग के बाद रिलीज़ होने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकली चीज़ें जो हैं हुई, और मैं चाहता हूं कि पिक्चर जब रिलीज़ हो जाती है तो उसमें कोई ऐसी कमी ना रह जाए जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर और एक्टर इस बात को कहें कि यार हम ऐसा कर लेते तो शायद और बेटर हो सकता था। तो डायरेक्टर का सजेशन और प्रोड्यूसर्स का तो बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने हर एक जो चीज़ जो है बड़ा बारीकी से उन्होंने देखा, और जो चीज़ कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी तो उसको पूरी की, और आज सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है और लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्योंकि एक बार चीज़ रिलीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक मन में एक ऐसा रहता है यार इसको हम ऐसा कर लेते हैं। पर मैं कहूँगा कि पार्थोदा के डायरेक्शन में ऐसी कोई कमी नहीं होगी और लोगों को बहुत पसंद आएगी पिक्चर। अरुण जी एक मिनट साथ पे आना। अरुण जी अगर बात करें, अरुण जी ने एक खास कवाली गाई है जी, अरुण जी ने खास कवाली गाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अरुण जी के बारे में एक बात कहूँगा कि जैसे अरुण जी ने पहले भी एक बात बोली थी, जो पार्थोदा हैं उन्होंने गाना हमारा जो अल्लाह अल्लाह करके जो गाना है सूफी सॉन्ग, जो बाबुल सुप्रियो की वॉइस है, इसमें आपका मतलब इतना बड़ा करिश्मा कहूँगा इस बात को, जो 2 दिन में पिक्चराइज होने वाला था गाना वो आपने 2 घंटे में कर दिया। और अरुण जी इज़ वेरी मतलब मैं कहूँगा इस इतने एक्सपीरियंस हैं के, और एक्सपीरियंस के बावजूद भी इतने बड़ा कलाकार और इतना मतलब सपोर्टेड, मैं कहूँगा इन्होंने बहुत सपोर्ट करी, और हर कलाकार ऐसी सपोर्ट करे बॉलीवुड इंडस्ट्री को तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स मैं कहूँगा तो बहुत खुश होंगे। आई एम सो ऑनर्ड। कवाली की लाइनें क्या हैं बताना चाहेंगे दर्शकों? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक 8 से 10 बार ऐसा कुछ हुआ कि मेरे मुंह से ये निकला, मेरे पास समय नहीं है, मैं शूट कर रहा हूं, मैं ये क्रेडिट गोज टू हिम, इनफैक्ट ये इनको जाता है, मुकेश जी को जाता है कि इन्होंने अपनी डेट को एडजस्ट किया, समय एडजस्ट किया, और लास्ट डे में इसको रखा गया। मैं बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से मैं हल्द्वानी गया, और उसके बाद में ख़ास बात यह है कि इन्होंने बोला कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उसमें इस गाने को हमको करना है। मैंने रास्ते में गाना मंगवाया, इन्होंने गाना मुझे भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, उसको मैं याद करता रहा। जब हल्द्वानी गया, मैं रूम में गया, उसको मैंने अपने नोट्स बनाने के बाद में, और सब लोग जिटरी थे क्योंकि एक तो इतना बड़ा यूनिट था, और फिर जब वहाँ पे गए तो फिर भगवान की कृपा, अल्लाह मियाँ की कृपा रही, उसकी रहमत रही कि ये 1.5 से 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया। वही जोश अरुण बख्शी का, वही उसकी पूजा, वही इबादत, वही सब कुछ। और मैं आपको ये कहूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, इनसे ज़्यादा मेहनत इनकी जो शरीक हयात है उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनका नाम मंजू जी है। मंजू जी बेसिकली अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने अपने आप को 4 कदम पीछे किया, वो इनसे बहुत प्यार करती हैं, इन्होंने इनको आगे किया, और उसके बाद में इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पर मैं एक बात कहूँगा, मुझे जो मैं बहुत समय पहले देखा करता था, आज भी वही अरुण बख्शी जी हैं जो
जो इतने टैलेंट और इतना मतलब एनर्जी, मतलब इतना समय के बाद भी इतनी एनर्जी है ना आपके अंदर, कि जिस तरीके से अपने सब लोगों ने देखा कि अल्लाह अल्लाह गाना जो चल रहा था अंदर, कि सब लोग मतलब गाने को तो देख ही रहे थे पर अरुण जी के बारे में सोच रहे थे कि इतनी एनर्जी आज भी पहले से ज़्यादा आज एनर्जी लगी ये अल्लाह अल्लाह तू ही तू लुक हुआ इस काम मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि इतना सुपर्ब सॉन्ग है और इतनी म्यूजिकल फिल्म है और सबकी सपोर्ट से बनी है। स्पेशली अरुण जी उसी दिन ट्रैवल करके आए थे, बहुत थके हुए थे, फिर भी कंटिन्यूस फ़ोन पे मुझसे लिरिक्स पूछ रहे थे कि लिरिक्स क्या है। सो ये सीखने को मिल रहा है कि इतने पॉलिश्ड एक्टर के साथ जब काम करते हैं तो एज एन प्रोड्यूसर नहीं, मैं एज एन क्या बोल सकती हूँ, हम एक स्टूडेंट बन के सीखी मैं और बहुत कुछ सीखा है। सो थैंक्स टू एंटायर टीम। आई वुड लाइक टू से वन थिंग, एक मिनट, आपकी जर्नी कैसी रही एज ए प्रोड्यूसर? नहीं, मैं इससे पहले कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं इनको माइक दे दूँगा। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कपल्स को देखा है, बहुत लोगों को देखा है, लेकिन इतनी सेक्रीफाइसिंग गर्ल जिनका नाम मंजू भारती जी हैं, इन्होंने अपना करियर पूरा रखा साइड में, उन्होंने बूस्ट किया अपने मोहब्बत को, अपनी मुरव्वत को और अपने प्यार को मुकेश जी को, और इन्होंने वाकई मजदूर की तरह काम किया है उस यूनिट में। शी वॉज इन चार्ज, शी वॉज लाइक ए स्पॉट बॉय ऑल्सो, शी वॉज लाइक ए प्रोडक्शन ऑल्सो, एवरी वेयर शी वॉज देयर ओनली फॉर द सेक ऑफ हर लव एंड दैट इज ही द मैच। I bless them from core of my heart. और अल्लाह मियाँ तू ही तू help this couple. Thank you. और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अरुण जी का जो इतना मतलब के साथ मौका मिला रहने का, बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो दूसरी फिल्म हमारी बनने जा रही, शायद आप दूसरी पिक्चर का जब लॉन्चिंग हुई तो आप नहीं आए थे, पर हमने और मंजू ने प्लान कर लिया था कि हम सेकेंड पिक्चर भी अरुण जी के साथ करेंगे। सो नाइस, आई एम ऑनर्ड। आप दोनों खुश रहिए और फिल्में बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। और आप हीरो में, हीरोशिप में कामयाब रहें और इनसे काम भी करवाएंगे जरूर, इनसे एक अच्छा रोल, एक हीरोइन, एक अच्छा काम करवाएंगे। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।